राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम लोग दोनों भाई मेरे साले, ये दोनों हीरे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजे होने वाली है। कापों की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। बोलूंगा 5 मिनट। इनको गालियां देते लेकिन राजा सिंह के नाम पे नहीं जाते। आ जाओ देख लेते तुम जीते या हम। देखो देखो कौन आया, चोर आया। इंस्पेक्टर साहब खड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको फिर चलिए। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अभी तक उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करा उसके खिलाफ, कभी भी नहीं खड़ा करता। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है छे ओवर बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। अम्मा कौन है कांग्रेस की? कांग्रेस की अम्मा कौन है? सोनिया गांधी है ना अम्मा, है ना वो? वो अम्मा का दूध पी लेते थे असदुद्दीन पड़ा हुआ था ना वहाँ पे UPA 1 UPA 2 में। राजशेखर रेड्डी की धोती कौन धोता था? कौन धोता था? असदुद्दीन। किरण कुमार CM कांग्रेस का, उसकी धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। रोशैया की धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। या कांग्रेस की गोद में थे ना 10 साल पहले, मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस की सपोर्ट से था यहाँ पे हैदराबाद में। पूरे देश के मुसलमान तो कहते हैं कि भाजपा का मुकाबला कोई करता तो असदुद्दीन वैसी करते हैं। यहाँ पे असदुद्दीन के क्षेत्र में, यहाँ पे जहाँ उनका ऑफिस है, उनका पार्लियामेंट के अंदर एक हल्का है गोशा महल, उसके अंदर एक BJP का MLA है राजा सिंह। उन्हें बोलता पान खा के मैं तेरे घर को आता हूँ असदुद्दीन, तेरे घर वालों को तैयार रखना मैं आ रहा हूँ बोलता। लेकिन इन्हें लड़ता नहीं उसके खिलाफ, अभी तक उम्मीदवारी नहीं खड़ा करा उसके खिलाफ, कभी भी नहीं खड़ा करता। मैं बोला ख्वाजा बिलाल बोल के हमारे दोस्त है, वो लड़ना चाह रहे थे उससे, नहीं दिया उनको टिकट पार्टी में। तो राजा सिंह का नाम सुने तो उसका पेशाब निकल जाता असदुद्दीन। राजा सिंह का कोई विरोध करता है हैदराबाद में तो असदुद्दीन वैसी करते हैं। कौन? राजा सिंह का असदुद्दीन। जवाब कोई देता है तो राजा सिंह को वही देते हैं। और दोनों मिले हुए हैं ना, मिले हुए हैं दोनों मिले हुए हैं, साले भो नहीं है दोनों, रिश्तेदार है वो। हाँ, वो राजा सिंह कहता है मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम लोग दोनों भाइया मेरे साले, ये दोनों हिरड़े। हम मुसलमानों को डराते, हिंदुस्तान के शेर है दोनों भाई। कहाँ के शेर है, क्या करते? हमको डराते, हमारे घर पे आते, पुलिस को भी जाते, हमको गालियां देते, लेकिन राजा सिंह के नाम पे नहीं जाते। राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। देखते नहीं ये नारे लगते आए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वो कौन है? एक मिनट, वो जो नारा है ना आप लोग बराबर नहीं सुने हो। देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, कौन आया, चोर आया, चोर। ऐसा है वो चोर है। मुसलमानों के मुद्दे पर तो वैसे ही बोलते, कोई और नेता बोलता है क्या? क्या अगर कोई ट्रिपल तलाक पे कौन बोला? असदुद्दीन वैसी बोले, और कोई नेता बोला? KCR क्या किया इनका मामू, BJP का साथ दिया। दोनों साथ है ना। आर्टिकल 370 के अंदर कौन दिया साथ? KCR। भांजा खामोश, भांजा मुखालिफत में वहाँ पे पार्लियामेंट में, मामू एक तरफ जा रहा, नकटा मामू भांजा एक तरफ, फिर हैदराबाद में आके दोनों साथ हनीमून मना रहे यहाँ पे। पहचानो क्रोनोलॉजी को। हाँ, UPA का बिल आया, UAPA का बिल आया, असदुद्दीन ने वैसे मुखालिफत करा, KCR साथ दिया।
कांग्रेस ने भी साथ दिया है ना सर। कांग्रेस ने साथ दिया गलत बात है, लेकिन केसीआर ने दिया ना, इन अलायंस में है ना, यहाँ पे केसीआर और बीआरएस एमआईएम अलायंस में है। तो हम पूछ रहे आप जिस अलायंस में हैं वो 12% मुसलमानों को रिजर्व। आप इतना आरोप लगा रहे हो, वैसे तो कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तभी लोग जनता हमको वोट कर रहे हैं। देख के ठहरे, कहीं डेवलपमेंट के अंदर ना चले जाएं, गड़े में खड्डे में आप कोई भी खड्डे के अंदर चले जाएंगे डेवलपमेंट में आप पूरा डेवलपमेंट तेरा याकूतपुरा का नाला दिखा के लाओ। बारिश हुई तो इतना कंबर बराबर पानी आ जाता, बारिश होती ना, बारिश हो तो इतना पानी आता नालों के बाहर।